हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जगह में रह के बेहतरीन तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जी हां दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने माइनर अकाउंट के बारे में चर्चा किए थे। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ज्वाइंट अकाउंट के बारे में, उनके ऑपरेशन के बारे में, उनके मैंडेट के बारे में चर्चा करेंगे। जी हां दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसको अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ आखिरी में मैं एक सरप्राइज भी रखा हूँ आप लोग के लिए, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज बात करते हैं ज्वाइंट बैंक अकाउंट के बारे में। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ज्वाइंट बैंक अकाउंट होते क्या हैं। जब बैंक शाखा में कोई एक व्यक्ति या उससे ज़्यादा लोग मिलकर एक साथ खाता खोलने जाते हैं तो उसको ज्वाइंट बैंक अकाउंट कहते हैं। मतलब एक से ज़्यादा व्यक्तियों के खाता अगर खोले गए तो उनको ज्वाइंट बैंक अकाउंट कहते हैं। और एज सच RBI के अनुसार ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने लोग खाता जो है एक साथ मिलकर खोले जा सकते हैं। तो इस प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कितने भी लोग ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। फिर भी बैंकों को लार्ज नंबर आप जो कस्टमर अगर एक साथ मिलकर खाता खोलते हैं तो उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है और उस पर ध्यान देते हैं। तो प्रैक्टिस के आधार पर 3 से 4 तक उन लोग खाता खोलते हैं ज्वाइंट अकाउंट के रूप में, लेकिन एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एग्जाम में ये सवाल आए तो आप एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन RBI के द्वारा नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं ज्वाइंट अकाउंट जो होते हैं उनमें मैंडेट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला मैंडेट होता है फॉर्मर एंड सर्वाइवर। जी हाँ, फॉर्मर एंड सर्वाइवर होता है। दूसरा मैंडेट होता है जो ऑपरेशन के लिए होता है, वो होता है आइदर सर्वाइवर और होता है जॉइंटली ऑपरेटेड। तो चलिए एक एक करके हम इसको समझते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फॉर्मर एंड सर्वाइवर। फॉर्मर एंड सर्वाइवर जो मैंडेट होता है ज्वाइंट अकाउंट ऑपरेशन में, देखिए ज्वाइंट अकाउंट में क्या है, एक से ज़्यादा लोग मिलकर एक खाता खोले हैं तो अब इसमें फॉर्मर एंड सर्वाइवर अगर उनका इंस्ट्रक्शन है, उनका मैंडेट दिया हुआ है, अनुदेश दिया हुआ है, तो फॉर्मर एंड सर्वाइवर का मतलब यही हो गया कि जब तक पहला वाला जिंदा है, जब तक फॉर्मर जिंदा है वही अकाउंट को ऑपरेट करेगा और उसके मृत्यु के पश्चात वो पैसा सर्वाइवर को दे दिया जाएगा और खाते को बंद कर दिया जाएगा। सरल बात है। जी हाँ, सीधा सिंपल सी बात है। फॉर्मर सर्वाइवर के केस में जब तक फॉर्मर जीवित रहेगा खाते का परिचालन फॉर्मर करेगा और फॉर्मर की मृत्यु के बाद वो पैसा जो है सर्वाइवर को दे दिया जाएगा और खाते को क्लोज कर दिया जाएगा। ये मतलब होता है फॉर्मर एंड सर्वाइवर इंस्ट्रक्शन का। टिल फॉर्मर विल अलाइव फॉर्मर विल ऑपरेट द अकाउंट एंड ऑन डेथ ऑफ फॉर्मर पेमेंट विल मेड टू द सर्वाइवर एंड क्लोज द अकाउंट। जब तक फॉर्मर जिंदा रहेगा वो ऑपरेट करेगा, उसकी मृत्यु के पश्चात सर्वाइवर को पैसा दे दिया जाएगा। अब अगली बात जो फॉर्मर सर्वाइवर के लिए है, अगर स्टॉप पेमेंट लगाना है, अगर कोई मटेरियल अल्ट्रेशन को कन्फर्म करना है, अगर किसी के प्रकार का अनुदेश देना है तो केवल वो फॉर्मर ही दे सकता है। जी हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉर्मर सर्वाइवर के केस में अगर कोई भी अनुदेश जारी करना है, स्टॉप पेमेंट करना है, कोई मटेरियल अल्ट्रेशन है उसको कंफर्म करना है तो वो सिर्फ फॉर्मर दिया जाएगा, ओनली फॉर्मर के द्वारा ही वैलिड होगा। स्टॉप पेमेंट आर कन्फर्मेशन ऑफ मटेरियल अल्ट्रेशन ओनली बाई फॉर्मर, वो फॉर्मर ही कन्फर्म उसको कर सकता है, सर्वाइवर कन्फर्म नहीं कर सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आइदर सर्वाइवर की। आइदर सर्वाइवर के केस में अगर एक से ज़्यादा व्यक्तियों के खाते हैं और उसमें अनुदेश आइदर सर्वाइवर का मिला है तो इसको सरल तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं आप, जब तक दोनों जिंदा हैं दोनों में से कोई भी ऑपरेट कर सकता है। आइदर सर्वाइवर के केस में अगर खातेदार दोनों जीवित हैं तो दोनों में से कोई भी उसको ऑपरेट कर सकता है, और अगर आइदर की मृत्यु हो जाती है, किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो वो पैसा दूसरे को दे दिया जाता है और खाते को क्लोज कर दिया जाता है। टिल बोथ आर अलाइव आइदर कैन ऑपरेट, व्हेन आइदर विल डाई पेमेंट विल मेड टू द सर्वाइवर एंड अकाउंट विल बी क्लोज्ड। जी हाँ, सरल बात है। आइदर सर्वाइवर के केस में कोई भी ऑपरेट कर सकता है और अगर आइदर की मृत्यु हो जाती है तो पैसा सर्वाइवर को दे दिया जाता है, खाते क्लोज कर दिया जाता है। अगली बात, इसमें अगर स्टॉप पेमेंट लगाना है तो दोनों में से कोई भी स्टॉप पेमेंट लगा सकता है। जी हाँ, आइदर कैन स्टॉप चेक पेमेंट, अगर चेक का किसी का स्टॉप पेमेंट लगाना है तो दोनों में से कोई भी लगा सकता है। अगर कोई मटेरियल अल्ट्रेशन है चेक में उसको कन्फर्म करना है तो दोनों में से कोई भी कर सकता है। आइदर कैन कन्फर्म मटेरियल अल्ट्रेशन, दोनों में से कोई भी कन्फर्म कर सकता है। अगर FDR के केस में है, अगर ड्यू डेट हो गया है, मान लीजिए आज मैच्योर्ड हो गया है, तो दोनों में से कोई भी पेमेंट ले सकता है। इन केस ऑफ FDR पेमेंट ऑन ड्यू डेट आइदर कैन टेक द पेमेंट। जी हाँ, अगर FDR के केस में ड्यू डेट हो गया है तो दोनों में से कोई भी पेमेंट ले सकता है, लेकिन अगर प्री मैच्योर पेमेंट की बात आती है, अगर मैच्योरिटी से पहले पैसा लेना है तो दोनों का साइन बहुत ज़रूरी है, दोनों का कंसेंट जो है बहुत ज़रूरी है। इन केस ऑफ पेमेंट बिफोर मैच्योरिटी डिस्चार्ज बाई बोथ इज रिक्वायर्ड, दोनों के डिस्चार्ज जरूरी हैं अगर मैच्योरिटी के पहले अगर पैसा निकालना है FDR के केस में। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है, अगर ज्वाइंट अकाउंट है FDR के केस में, ये बात तो क्लियर है कि अगर मैच्योरिटी हुआ तो दोनों में से कोई भी पेमेंट ले सकता है,
लेकिन मैच्योरिटी से पहले लेना है तो दोनों का डिस्चार्ज बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मैच्योरिटी के समय अगर किसी एक की मृत्यु हो जाती है, आइदर की मृत्यु हो जाती है, तो सर्वाइवर को पैसा दे दिया जाता है। इन केस ऑफ FDR इफ वन ऑफ देम डाइड देन पेमेंट ऑफ FDR ऑन ड्यू डेट टू सर्वाइवर, दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो जो FDR के मैच्योरिटी के डेट पर सर्वाइवर को पैसा दे दिया जाता है, खाते क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर ड्यू डेट से पहले अगर लेना चाहते हैं डिसीज अकाउंट का पेमेंट तो कैसे होता है वो देखिए। अगर FDR के ड्यू डेट से पहले अगर डिसीज हो जाता है दोनों में से कोई एक, तो उसका पैसा जो है बिफोर मैच्योरिटी लेने के लिए सर्वाइवर और प्लस जो डिसीज के जो लीगल हेयर उनको मिला के पैसा दिया जाता है। जी हाँ, ये क्लियर बात है, महत्वपूर्ण बात है, पूछा जाता है सवाल ज़्यादातर कि FDR अगर मैच्योर हो गया तो आइदर की मृत्यु हो गई तो सर्वाइवर को दे दिए पैसा, खाता क्लोज हो गया। लेकिन अगर बिफोर मैच्योरिटी पैसा लेना है तो आइदर की मृत्यु हुई है तो सर्वाइवर को पैसा दिया जाएगा प्लस उस डिसीज जो आइदर डिसीज हुआ है उसके लीगल हेयर को मिला के पैसा दे दिया जाएगा। जी हाँ, पेमेंट बिफोर ड्यू डेट टू सर्वाइवर प्लस लीगल हेयर ऑफ आइदर ऑफ डिसीज, जी हाँ, डिसीज जो बंदा है उसके लीगल हेयर प्लस सर्वाइवर को पैसा दे दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको सरल तरीके से समझ में आया होगा। आइए अब बात करते हैं जॉइंटली ऑपरेटेड अकाउंट के बारे में, जहाँ पर दोनों के सिग्नेचर होते हैं, दोनों के मैंडेट होते हैं। तो इस अकाउंट का ऑपरेशन किस तरह से होता है, आइए बात करते हैं। जॉइंटली ऑपरेटेड अकाउंट में ये है कि जब तक दोनों जिंदा होंगे दोनों ऑपरेट करेंगे, दोनों मिलकर ऑपरेट करेंगे। तो इन जॉइंटली ऑपरेटेड अकाउंट टिल बोथ आर अलाइव बोथ विल साइन द चेक, दोनों अगर जिंदा हैं तो दोनों साइन करेंगे। और अगर एक की मृत्यु हो जाती है तो जो पैसा है सर्वाइवर प्लस जो डिसीज अकाउंट होल्डर है उसके लीगल हेयर के साथ मिलाकर दे दिया जाएगा। ऑन डेथ ऑफ वन पेमेंट टू सर्वाइवर प्लस लीगल हेयर ऑफ द डिसीज, मतलब अगर जॉइंटली ऑपरेटेड में अगर एक की मृत्यु हो जाती है तो जो पेमेंट है सर्वाइवर प्लस लीगल हेयर जो डिसीज है उसका लीगल हेयर को मिला के पैसे दे दिए जाएंगे। अब इसमें स्टॉप पेमेंट अगर चेक कराना है तो दोनों में से कोई भी स्टॉप पेमेंट करा सकता है। लेकिन अगर स्टॉप पेमेंट को ओपन कराना है या कोई मटेरियल अल्टरेशन है उसको कंफर्म करना है तो दोनों के सिग्नेचर जरूरी हैं। इसमें जॉइंटली ऑपरेटेड अकाउंट में अगर स्टॉप पेमेंट को रिमूव कराना है या मटेरियल अल्टरेशन को कंफर्म करना है तो दोनों के साइन जरूरी हो जाते हैं। जी हाँ, फॉर विड्रॉल ऑफ स्टॉप पेमेंट ऑर्डर और कन्फर्मेशन ऑफ मटेरियल अल्टरेशन कंसेंट ऑफ बोथ इज रिक्वायर्ड, दोनों के जो कंसेंट हैं वो जरूरी हो जाते हैं। जॉइंटली ऑपरेटेड अकाउंट में ये कुछ केसेस हैं जहां पर दोनों के सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है, दोनों के कंसेंट होना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कौन कौन से वो चीज़ें हैं जहां पर दोनों के कंसेंट जॉइंटली ऑपरेशन में बहुत ही जरूरी है। फॉर फॉलोइंग केसेस कंसेंट ऑफ बोथ रिक्वायर्ड, पहला है प्रीमैच्योर पेमेंट ऑफ FDR, अगर FDR का प्रीमैच्योर पेमेंट लेना है तो दोनों का डिस्चार्ज बहुत जरूरी है। अगर उस FDR के अगेंस्ट लोन लेना है तो दोनों का कंसेंट बहुत जरूरी है। अगर नॉमिनेशन बनाना है तो दोनों का कंसेंट चाहिए, नॉमिनेशन चेंज करना है तो दोनों का कंफर्मेशन चाहिए या कंसेंट चाहिए। अगर FDR के नाम में एडिशन डिलीशन करना है तो भी उनको दोनों का कंसेंट चाहिए होता है। तो ये चीज़ें हैं जिनमें दोनों के साइन चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे ज्वाइंट अकाउंट ऑपरेशन के बारे में, मैंडेट के बारे में, फॉर्मर सर्वाइवर, आइदर सर्वाइवर और जॉइंटली ऑपरेटेड अकाउंट के बारे में कि जॉइंटली कैसे ऑपरेट होते हैं। अब अगर समरी के तौर पे देखा जाए तो आइए मैं सरल तरीके से समरी के तौर पर इस बॉक्स के हिसाब से आपको समझा देता हूँ कि जिसमें एक टेबल लेते हैं हम जिसमें ट्रांजेक्शन रहता है और क्या क्या ट्रांजेक्शन अलग अलग जॉइंटली ऑपरेटेड स्ट्रक्चर वाले अकाउंट में कैसे कैसे कर सकते हैं। तो अगर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म अगर साइन करना है तो उसमें कितने लोगों के साइन लगेंगे और कैसे कैसे लगेंगे देखते हैं। जैसे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है अगर उसमें साइन है, फॉर्मर सर्वाइवर हो चाहे आइदर सर्वाइवर हो चाहे जॉइंटली ऑपरेटेड अकाउंट हो, सब में सभी के साइन लगेंगे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में। जी हाँ, ये क्लियर बात है। अगर चेक का स्टॉप पेमेंट करना है, किसी पेमेंट को रोकना है तो अगर फॉर्मर सर्वाइवर है तो केवल फॉर्मर ही रोक सकता है उसको, लेकिन आइदर सर्वाइवर और जॉइंटली ऑपरेटेड में कोई भी अगर स्टॉप पेमेंट करा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर रिक्वेस्ट फॉर लोन है, अगर लोन लेना है तो फॉर्मर सर्वाइवर हो चाहे आइदर सर्वाइवर हो चाहे जॉइंटली ऑपरेटेड अकाउंट हो, सब में सभी के कंसेंट चाहिए, साइन चाहिए और उनके एग्रीमेंट साइन चाहिए। अगर प्रीमैच्योर पेमेंट है FDR का तो चाहे वो आइदर सर्वाइवर हो, फॉर्मर सर्वाइवर हो चाहे जॉइंटली ऑपरेटेड हो, सभी के साइन या डिस्चार्ज चाहिए। लेकिन अगर मैच्योर्ड हो गया है FDR अगर मैच्योर्ड हो गया है तो फॉर्मर सर्वाइवर के केस में फॉर्मर ले सकता है केवल, सर्वाइवर नहीं। लेकिन आइदर सर्वाइवर के केस में कोई भी ले सकता है और जॉइंटली ऑपरेटेड में दोनों को मिलेगा। जी हाँ, इसमें जॉइंटली ऑपरेटेड में दोनों को मिलेगा। अब आता है क्लोजर ऑफ अकाउंट। अगर क्लोजर ऑफ अकाउंट करना है तो चाहे वो फॉर्मर सर्वाइवर हो, आइदर सर्वाइवर हो, जॉइंटली ऑपरेटेड हो, सभी के साइन की ज़रूरत है। अगर नॉमिनेशन की बात आती है तो नॉमिनेशन में भी चाहे वो फॉर्मर सर्वाइवर हो, आइदर सर्वाइवर हो, जॉइंटली ऑपरेटेड हो, सभी के साइन की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी जिसमें हम जॉइंट अकाउंट ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे थे और इनका
एग्ज़ाम की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, एक आध सवाल आ जाते हैं और नहीं भी आते हैं, लेकिन फिर भी आपके दैनिक जीवन में जब आप बैंक में काम करते हैं तो आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस से आपको डेली सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज्वाइंट अकाउंट ऑपरेशन के बारे में काफ़ी कुछ सरल तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, शुरू में जो मैंने सरप्राइज़ की बात करी थी, अब उसका अनाउंस करने का समय आ गया है। अभी मैं बड़ी खुशी मन से हमारे जो सब्सक्राइबर साथी हैं उनमें से कुछ 5 साथियों को एक गिव अवे करना चाहता हूँ, ये बुक गिव अवे करना चाहता हूँ। जीवन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है बुक होता है, ये बुक जो है स्मार्ट मैनेजर के नाम से है और रिटेल बैंकिंग डिकोडेड है। ये किताब लिखी है जाने माने बैंकर और शिक्षाविद और बेहतरीन पर्सनालिटी बैंकर्स हैं, एक अच्छे बैंकर हैं, तो उन्होंने लिखी है मिस पॉपी शर्मा, जो अभी भी बैंकिंग में एक बड़े पद पर कार्यरत हैं। दोस्तों शुभकामनाएं स्वरूप, ये बुक मैं 5 साथियों को गिव अवे करना चाहता हूँ, ये 5 साथियों को गिव अवे करना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो पूरा जो बैंकिंग है वो कस्टमर रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, कस्टमर बॉन्डिंग पे रिलेशन करता है, मार्केटिंग पे करता है, स्ट्रेटजी पे करता है, इनर स्किल पे काम करता है। तो ये किताब दिखाता है कि हमें किस तरह से कस्टमर रिलेशनशिप बनाना है, अपने अंदर क्या खूबियाँ लेना है। जी हाँ, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बुक का होता है। मैं खुद किताबें खरीदते रहता हूँ और पढ़ते रहता हूँ, तो मैं जब भी आपको कोई गिफ्ट दूंगा तो किताब के स्वरूप दूंगा, ये ज़रूर स्वीकार कर लीजिएगा मेरी तरफ से। ये 5 साथियों को मिलेगा। क्या है हमारे अंदर, जो अगर हम लोग बैंक में काम करते हैं तो हमें स्मार्ट होना चाहिए। जी हाँ, स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि हमको हर चीज़ मैनेज करनी होती है, इसलिए स्मार्ट मैनेजर ये बुक है मैं आप लोगों को गिव अवे दे रहा हूँ, क्योंकि इससे हम लोग को एकदम इनर स्किल्स और किस तरह से हमारा एक्चुअल में बॉडी लैंग्वेज ज़बरदस्त होना चाहिए। अगर हमारा बॉडी लैंग्वेज इतना अच्छा है तो आधा 75% काम या 90% काम तो बॉडी लैंग्वेज कर लेना चाहिए। इसमें आपको सिखाया जाएगा कस्टमर रिलेशनशिप बारे में, प्लस रिटेल कस्टमर्स को कैसे एक्वायर किए जाते हैं, उनके पास जो कम्युनिकेशन ब्रिज होता है, हम उनसे करोड़ों रुपये लेना चाहते हैं, करोड़ों रुपये देना चाहते हैं, ब्रिज का निर्माण कैसे हो, साथ ही साथ स्टाफ बॉन्डिंग कैसे होगी, इंकरेजमेंट कैसे होता है, सर्विस इनोवेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें इस किताब के माध्यम में आपको पता चलेगी। और मैं जरूर विश्वास कह सकता हूँ कि ये किताब आपको बिल्कुल आपके इनर स्किल को बढ़ाने में एक कदम साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस गिव अवे में आप भाग ले सकते हैं। उसका सिंपल सा तरीका है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को लाइक करना होगा, और एक आप कमेंट कर दीजिए। कमेंट कैसा भी हो सकता है, आपकी फीडबैक भी हो सकती है, आपकी कोई प्रतिक्रिया हो सकती है, या आपका कोई सुझाव हो सकता है, आपका कोई सलाह भी हो सकता है, आपका कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, कोई भी हो कमेंट। और ये जो है मैं मेरे चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर पूरे होने जा रहे हैं, देखिए अभी 4950 हैं, तो आशा करता हूँ कि इसको 5000 पहुँचा दीजिए। जिस समय 5000 सब्सक्राइबर पहुँच जाएंगे तो मैं ये गिव अवे का रिजल्ट दूंगा, और साथ ही साथ उन 5 साथियों को ये किताब भेज दूंगा। आशा करता हूँ कि मेरे इस शुभकामनाएं को, इस प्रतीक चिन्ह को आप स्वीकार करेंगे और कमेंट करके इसमें भाग लेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि कम से कम 50 लोग तो भाग लें, जो कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तो बड़ी मेहरबानी होगी। चलिए, आशा करता हूँ कि ये बुक जो है आप स्नेह स्वरूप स्वीकार करेंगे। दोस्तों आप सभी के सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।